ओवरलोड के चक्कर में ट्रक बना घनचक्कर। हम बात कर रहे हैं जलगांव शहर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सामने की, जहां पर बुधवार रात 8 बजे के करीब एक ऐसा हादसा हुआ जो सबको चौंका दे रहा था। दरअसल बारदान से भरा हुआ ट्रक ओवरलोड की स्थिति में जैसे ही कृषि उत्पन्न बाजार समिति के गेट से बाहर निकला, अनबैलेंस हुआ और पास खड़े एक फ्रूट के ठेले पर जा गिरा। वो तो ठेले वाले की किस्मत अच्छी थी जो इस भयंकर दुर्घटना के बाद भी सही सलामत बाइट देने के लिए मौजूद था। क्या हो गया? गाड़ी चलते चलते पड़ती हो गई हो। ये गाड़ी दूर से देख लेते कि आपने उसको गाड़ी। हाँ, वो बहू उन्होंने आवाज दी थी हमको, दो जन ने, तो हम भाग गए थे। आपकी गाड़ी क्या चीज की? सफरचंद फ्रूट की गाड़ी है। आसपास खड़े लोग भी जो चौंक गए थे, वह भी अपनी आंखों का देखा बताने से नहीं चूके और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से देखते ही देखते ट्रक ठेले पर गिर गया। ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी इसकी जो इसकी फ्रूट की गाड़ी थी, ये गाड़ी भी मंडी से निकल रही थी बाहर जाने के लिए। ड्राइवर कुछ दारू वारू पिया था, पेट में था, प्लस गाड़ी की जो हाइट है उसकी बॉडी से 4 फुट ऊपर थी, 4 से 5 फुट। उसने जैसी गाड़ी नीचे बैक साइड को उतारा तो गाड़ी लेके झोला मार दी और ये बाजू में एक लारी वाला था, इसकी गाड़ी के ऊपर पूरी गाड़ी गिर गई। चलिए, माल का नुकसान हुआ लेकिन जान तो बच गई। अब इस बात पर बहस हो रही है कि माल के कितने पैसे लिए जाएं, कितने दिए जाएं। साहब, अगर जान चली जाती तो पैसे से भी वापस नहीं आती। ट्रैफिक विभाग, आरटीओ विभाग, इन सभी को चाहिए कि वो लोग इस तरह से ओवरलोडेड ट्रक और वाहनों को पकड़ें, सजा दें, ताकि ना किसी का जान का नुकसान हो ना माल का। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।